नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते होंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे लाइसेंस आपको लगते हैं। आपको बताएं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड लेना पड़ता है, आई स्केट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एडी कोड रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे एक एक्सपोर्टर होता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ों को दिक्कत आती है। क्या है, प्रो एंड पोस्ट शिपमेंट में जो है ना, उनको पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है ना, जब क्रेडिट होता है तो इस केस से बचने के लिए जो है RBI ने उनके लिए जो है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम लेकर आई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो। देखिए, यहाँ पे सारे चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ और लाइव एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग पूरी तरह से जानकारी मिल सके इस वीडियो का, ठीक है। तो और चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से जो है आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आपको दिए जाते हैं, ताकि जो है आप उनसे सीख कर जो है आप अच्छा पैसा कभी कमा सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी एक्सपोर्टर होता है ना, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, जो भी शिपमेंट यहाँ से बाहर भेजते हैं ना, तो उसके बाद जो है उनका फॉरेन करेंसी का जो पैसा ना, जो क्रेडिट होता है ना, उस पर जो है हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इनकर्ड किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो इसी को जो है मिनिमाइज करने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम लेकर आया गया है RBI की तरफ से। और इसका जो मॉनिटरिंग है ना, DGFT और RBI दोनों करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेनली यहाँ पे आपको समझ लेना है कि ये जो स्कीम है प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको किसी तरह कोई डाउट होगा या आपको इस स्कीम के रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, इसका अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, आपका पहले से DGFT में अकाउंट होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिए होंगे, तो इस तरह से आपका शो होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने पर जो है आपको IES यानी कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। याद रखें, मैं फिर से यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आप जब चेक कीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है ना, मैंने आपको बताया कि प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट का यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये टूल क्या काम करते हैं, रिड्यूसिंग द हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इनकर्ड बाय द इंडियन एक्सपोर्टर। जो भी इंडियन एक्सपोर्टर है उनका हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। और इसको जो मैंने बताया, मॉनिटरिंग किसके थ्रू किया जाता है, RBI के थ्रू भी किया जाता है और DGFT के थ्रू भी किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। करते ही स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। कर दे, जो भी आपका बेसिक डिटेल है वो ऑटोमेटिक जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जब भी डाटा आपने फिल किया होगा उसके थ्रू आपका ले लेगा। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ पे ब्रांच डिटेल में आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी ब्रांच डिटेल आप दोनों में सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट है उनका ब्रांच एड्रेस भी एक मेंशन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे अदर डिटेल है, अदर डिटेल में क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे अगर 5 है तो 5 मेंशन कर दीजिएगा। एप्लीकेशन किसके बिहाफ में करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप एप्लीकेंट यहाँ पे क्या है, SC ST वुमेन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए, डिक्लेरेशन फॉर अपडेटेड प्रोफाइल यहाँ पे टिक आउट करना है और यहाँ पे यस करना है। इसके बाद सेव इन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव इन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका IES डिटेल यानी कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन डिटेल फिल करने के लिए आएगा। तो सिंपल यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट करना, जो भी आपका सेक्टर को वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको पता है कि आपका क्या सेक्टर है, तो यहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। इसके बाद जो है ITC HSN कोड, जो भी कोड होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। इसके बाद टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स है तभी दें, अदरवाइज यहाँ पे रहने दें। इसके बाद कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, जो भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो वो आप एक्सपोर्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखें कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो भी पर्टिकुलर कंट्री में करेंगे उसी को यहाँ पे सेलेक्ट, कोई भी एक्स्ट्रा काम यहाँ पे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब बैंक डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए नीचे में जो बैंक डिटेल यहाँ पर दिख रहा होगा ना, तो ये आपका शो हो रहा है। जब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाया हो तब ये आपका ऐड किए होंगे। अगर आपको अपडेट करना तो आप जाके IC में अपडेट कीजिए, तब यहाँ पे आपका अपडेट होगा। यहाँ पूछा है कि बैंक की विथ विच यूजर होल्ड अ बैंक अकाउंट सेविंग करेंट। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक विथ विच यूजर डज नॉट होल्ड बैंक अकाउंट। तो हम लोग ऊपर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसका सेव एंड नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से एप्लीकेशन आपका सेव होती जाएगा। अब यहाँ पे बेनिफिट
टैक्स है, क्या चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मुझे किसी तरह का यहाँ पे कोई भी सर्विस ऐड नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, या अगर आप EPCG का बेनिफिट लेना चाहते हैं यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स का यहाँ पे आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। बट मेरे केस में कुछ भी नहीं है इसलिए मैं इसको फिल नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। करते ही यहाँ पे अटैचमेंट, देखिए अगर आप कोई स्कीम का लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे किसी तरह का कोई स्कीम का अगर आप अवेल नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। करते ही इस तरह से आ जाएगा आपके पास में। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको टिक आउट करना पड़ेगा, ये लास्ट का ऑप्शन है। अब याद रखें कि यहाँ पे यूजर डिटेल देख लेंगे कौन है और उसके अकॉर्डिंग अगर लगता है सही है तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ तो यहाँ पे फाइनली अब जो है सेव इन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सेव इन नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे पूरा आपका एप्लीकेशन जो है प्रीव्यू होके आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन प्रीव्यू होके आ गया। अगर आप इसको प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है अगर आपको क्लाइंट को देना है तो यहाँ पे इसके बाद जो है आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद याद रखें आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट उसके बाद कंप्लीट कर लीजिएगा, देन उसके बाद जो है आपका ये अप्रूव होगा। तो साइन इन का बटन पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे जो है आपको वापस से नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अभी हम लोगों ने फॉर्म भरा है 4 अप्रैल 2024 आज 4 तारीख है, तो ये जो है आपका ऑटो अप्रूव यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका अप्रूव हो चुका है यानी कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का जो भी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन था वो अप्रूव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रीवियस वे में भी हम लोगों ने लिया है इसलिए यहाँ पे अभी जो है ऑटो अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है चेक कर सकते हैं व्यू मोर पे जाके जो है यहाँ पे हम लोग फाइनली देख रहे हैं ऑटो अप्रूव लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है क्लिक करके जो है इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, पेमेंट डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट जो है आपका 0-0 लगता है इसलिए यहाँ पे जो है आप किसी तरह का यहाँ पे पेमेंट आपको लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो याद रखें यहाँ से आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये पेमेंट आप देख सकते हैं ये जो है आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का जो है पेमेंट हम लोगों ने किया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 0-0 है यानी किसी तरह कोई पेमेंट नहीं लगता, यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी जो है इसी तरह से इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्री और पोस्ट शिपमेंट में जो है आपको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिल जाता है, तो आप इसके लिए ज़रूर एप्लीकेशन कीजिए। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप लाइफ साइकिल भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो है आप व्यू अप्रूव लाइसेंस को भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे ये जो है व्यू अप्रूव लाइसेंस जब जाएंगे तो यहाँ पे व्यू लेटर है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, ये लेटर आपको देखने को मिल जाता है, ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है, यही आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का जो है आपको लेटर मिल चुका है, इसी के थ्रू जो है आप बेनिफिट ले पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का अगर एप्लीकेशन YMW फाइनेंशियल सर्विस से करवाना है तो डेफिनेटली आप लोग जो है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्विस चाहिए आपको YMW फाइनेंशियल सर्विस पे जो है आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग कांटेक्ट कीजिए और सारे सर्विस का लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में धन्यवाद, जय हिंद।